वाह 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 वाह, क्या कमाल का माहौल बनाया है। घना जंगल, यहाँ पर एक बब्बर शेर भी है, साथ में एक लोमड़ी भी है। वाह, क्या कमाल का स्वांग रचा है आप। हम आपका नाम पूछना तो भूल ही गए, नाम क्या है आपका? बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद, जहां पना आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे अपने कला के नाम से जाना जाए। ये भी ठीक है, वैसे भी हमें आपके काम में ही दिलचस्पी है। जहां पना इजाजत हो तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करूं? प्रदर्शन शुरू किया जाए। हटिए 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 हटिए, राजा दरबान शाही हकीम को बुला कर लाइए। और आप लोग देख क्या रहे हैं, अपने कक्ष में लेकर जाइए बीरबल को, लेकर जाइए, लेकर जाइए। चलो चलो चलो, ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में डाल दो। लेकिन जहां पर ना, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि कोई हादसा हो सकता है, पर आपने ऐसे कैसे भी सूरत में मैं जान की अमान दी थी। छोड़ दो इसे, हमने आपसे वादा किया था इसलिए हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। जब तक बीरबल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और जब तक इस मामले की पूरी तरह तहकीकात नहीं हो जाती, आप हमारी रियासत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सुना आपने, कहीं नहीं जा सकते। नजर रखिए इन पे।
चले। वासु, हमें पता चल गया कि हमारी कला कितनी खतरनाक है। हाँ सलीम भाई साहब, मुझे तो शुरू से ही पता चल गया था कि बंदर के हाथ तलवार लग गई है। लेकिन बंदर के हाथ में तलवार कैसे लग सकती है? अभी तो हमने बंदर की तस्वीर भी नहीं बनाई। हाँ बंदर, अरे सलीम भाई साहब, ये बंदरों वाली बातें करना छोड़िए, अब आप बादशाह बनने वाले हैं सलीम भाई साहब, बादशाह। लेकिन हाँ, ये मत भूलना कि आपके इस नायाब हुनर को सिर्फ मैंने ही पहचाना था, मैंने ही आपको बताया था ना सलीम भाई साहब। सलीम भाई साहब, जब आप बादशाह बन जाओगे तो आप मुझे महामंत्री बना दोगे ना? शाही खून है हम, वैसे तो हम बहुत ही बुद्धिशाली हैं, हमें किसी भी मंत्री शंत्री की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वासु, तुम भी हमारे बुद्धि स्तर के हो, इसलिए हम तुम्हें अपना महामंत्री बना देंगे। अब भांजे, आपने हमें बुलाया था? मामूजान, आपको भांजे ने नहीं, इस पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह ने बुलाया है। ओ, लेकिन वो गधा दरबान कह रहा था कि आपने बुलाया। अच्छा, हमें बादशाह अकबर ने बुलाया, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। ओ मामूजान, आपको हमने ही बुलाया है, हम अपनी ही बात कर रहे थे। किस लिए? हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देख के आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, हाँ दिखाओ। आसू, अरे तस्वीर। ओ बोलो ना, ये देखिए पिताजी, ये दिमाग। मामूजान, इस तस्वीर को देख के आपको क्या लग रहा है? ये भागती हुई चुड़ैल कौन है? अरे मामूजान, ये बीरबल जी है। बीरबल जी? हाँ, पता है आपको, सलीम भाई साहब ने बीरबल जी की तस्वीर बनाई, उनके साथ दुर्घटना हो गई। अरे और तो और, सलीम भाई साहब जिसकी तस्वीर बनाते हैं उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। सबसे पहले विक्रम सिंह, और वो अब्बू फजल, फिर उर्वशी जी, फिर बीरबल जी। अरे चुड़ैल पूरे महल में भागती रहेगी तो दुर्घटना तो होगी ही होगी, लेकिन तस्वीर का दुर्घटना से क्या मतलब? मामूजान, अभी आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, अभी हम आपकी तस्वीर बनाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि तस्वीर का दुर्घटना से क्या ताल्लुक है। भांजे रहने दो, बादशाह अकबर हमें बुला रहे हैं, हम आते हैं। अरे नहीं नहीं पिताजी रुको, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे की तस्वीर बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। अरे अरे मामूजान, रुके रुके रुके, ये मामूजान भी अजीब है, हमने बीरबल की हूबहू वैसे ही तस्वीर बनाई, लेकिन ये तब भी उन्हें पहचान नहीं पाए। हाँ पिताजी, तो आईने में कभी कभी अपने आप को नहीं देख के पहचान पाते, तो बीरबल जी की तस्वीर क्या देख के पहचानेंगे। चल वासु, क्यों ना हम तेरी तस्वीर बनाए। सलीम भाई साहब, अरे कैसी तबीयत है अब शाही हकीम जी? जहाँ पना, बस थोड़ी खांसी है, जुकाम एकदम दुरुस्त है, बाकी सब ठीक है। आप की तबीयत की बात नहीं कर रहे हैं शाही हकीम जी, हम बीरबल की बात कर रहे हैं। जहाँ पना, इनकी हालत बहुत नाजुक है, कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, इनके दुरुस्त होने की उम्मीद बहुत कम है। जी छोड़िए, ऐसे कैसे उम्मीद छोड़ दे? नहीं जापना, हमारा मतलब है कि इस तरह नाउम्मीदी की बातें करना छोड़िए। बीरबल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआ उनके साथ है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि बीरबल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। जापना की जय हो। ये क्या तरीका है बलदेव, कहां से आप मुंह काला करवा के आए हैं जो अपना मुंह छिपा रहे हैं? जापना, शहजादे सलीम हमारी तस्वीर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना मुंह ढक लिया है। बलदेव, हम आपको बहुत ही अकलमंद माना करते थे, लेकिन आप तो अकल से मंद निकले। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है और आप क्या बातें कर रहे हैं? शाही हकीम जी को एक जड़ी बूटी की जरूरत है बीरबल की तबीयत को ठीक करने के लिए, और ये जड़ी बूटी का इंतजाम आप करेंगे। अब ये चाहे आपको पहाड़ों पे मिले, चाहे जंगलों में मिले, चाहे रेगिस्तान में मिले, चाहे समुद्र के अंदर मिले, लेकर आप आएंगे। जो ना, हमें दौड़ना आता है, तैरना आता है, कूदना आता है, भागना आता है, मतलब सब कुछ आता है जापना। बीरबल का ठीक होना बहुत जरूरी है
सुना आपने हकीम जी, किसी भी तरह बीरबल को ठीक कीजिए। जी जापना जी, क्योंकि अकबर बादशाह बीरबल के बिना वैसे ही हैं जैसे रस के बिना गुल्ला। रसगुल्ला होता है ना वो सफेद वाला, मीठा सा।